जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। रामपाली के ग्राम अमई में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कार और डंपर की जोरदार भिड़ंत में कार चालक मीरकपुर सरपंच की घटनास्थल पर हुई मौत। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित दो लोग हुए घायल। आयोग अध्यक्ष व कलेक्टर ने लालबरा हाईवे हाईस्कूल मार्ग का किया निरीक्षण। इस दौरान आयोग अध्यक्ष ने कहा कि मैं स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा के चौके व देवघर तक जाने की हिम्मत रखता हूँ। वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने किया सांकेतिक हड़ताल। सोमवार तक पेमेंट करने के आश्वासन के बाद खत्म की हड़ताल। रूपजर थाने के ग्राम हर्रा टोला में ट्रैक्टर पलटने से चालक के ट्रैक्टर में दबने से हुई मौत। ट्रैक्टर में हवा भरने बिठली जा रहा था युवा। दिव्यांगों के धरना प्रदर्शन के दौरान कालीपुत्री चौक में टायर जलाने को लेकर पुलिस ने 26 लोगों को धारा 107 116 के तहत भेजा नोटिस। शांति व्यवस्था का उल्लंघन करने पर भेजा नोटिस। विधायक गौरीशंकर बिसेन के बंगले में ग्राम रक्षक कोटवार सम्मान समारोह के दौरान अध्यक्ष ने कोटवार संघ की मांगों को बताया न्यायोचित मांग। वहीं पुरानी पेंशन योजना को बताया कर्मचारियों का अधिकार। जिले में अभी साइबर ठगी व मोबाइल पर एनीडेक्स के माध्यम से पैसे निकालने की घटनाएं हो या फिर किसी के बैंक से राशि गायब करने का मामला का ग्राफ अभी कम हुआ ही नहीं था कि हैकर्स के द्वारा लोगों के सोशल अकाउंटों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल अकाउंट चाहे वह फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, उनके डीपी से फोटो निकालकर दूसरा अकाउंट बनाकर उसमें दूसरों के डीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दो छात्रों की सोशल अकाउंट से फोटो निकालकर उनका अकाउंट बना लिया गया। इस बात की जैसे ही जानकारी यूजर्स को लगी तो उनके द्वारा थाना कोतवाली में पहुंचकर इसकी शिकायत की गई। बताया गया कि सोशल अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाए गए थे और उनके द्वारा अपनी फोटो भी डाली गई थी, किंतु कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी फोटो का दूसरा अकाउंट पर दिखाई दिया जिसको लेकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके द्वारा तो ऐसा कोई अकाउंट बना ही नहीं गया था और वो जो अकाउंट बनाया गया है वह उसके नाम का ही नहीं है, किंतु जो फोटो लगी है वह उनकी है, जिस पर उनके द्वारा त्वरित ही इस विषय पर एक आवेदन बनाकर कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी जानकारी उन्होंने साइबर शाखा में दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि उनके पास दो छात्राएं आई थी और उन्होंने बताया कि हमारे सोशल अकाउंट के माध्यम से किसी ने हमारी फोटो हमारी बिना जानकारी के निकाल लिया और दूसरा अकाउंट बना लिया, जिस पर उनसे आवेदन लेकर साइबर नोडल को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया है और जल्द ही फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसी प्रकार से यहाँ भी एक प्रकार की साइबर हैकिंग है। इसके माध्यम से हैकर्स के द्वारा अपने अकाउंट में जा करके आपकी निजी जानकारी व आपकी फ़ोटो को निकाल के अकाउंट बनाते हैं। आप अपने अकाउंट व अपनी पर्सनल जानकारी को लॉक कर रखना होगा। जितना आप जागरूक एवं सतर्क रहेंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। जिले में हाईटेक स्कूल के माध्यम से केजी 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अति महत्वपूर्ण योजना सीएम राइज स्कूल का संचालन मुख्यालय स्तर पर वीरांगना रानी दुर्गावती विद्यालय में किया जा रहा है, जिसको लेकर 16 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया। इस दौरान 162 बच्चों का चयन होने पर उनके परिजन खुश हुए तो वहीं 302 बच्चों का चयन नहीं होने पर उनके परिजन मायूस होकर वापस लौटे। आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश के अनुसार शहर के सीएम राइज स्कूल शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए समस्त पालकों से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ दिनांक 3 से 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसका 16 फरवरी को गुरुवार को छोटे बच्चों के द्वारा लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई।
जिन कक्षाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था, अंग्रेजी माध्यम KG1 के लिए 30 सीट के लिए 111, KG2 के 30 सीट के लिए 84, हिंदी माध्यम कक्षा पहली 30 सीट के लिए 22, कक्षा दूसरी के 18 सीट के लिए 34, कक्षा तीसरी के 13 सीट के लिए 61, कक्षा चौथी के 12 सीट के लिए 47, कक्षा पाँचवीं के 18 सीट के लिए 36 तथा कक्षा छठवीं 11 सीट के लिए 69, कुल 162 सीट के लिए 464 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्रवेश प्रक्रिया के चयनित छात्र छात्रों को 22 फरवरी तक आवश्यक प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची व समग्र प्रमाण पत्र के साथ ही प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। 23 फरवरी से प्रतीक्षा सूची से छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा। 11, 7, 20 एक और लगी का कोई शक कि एक सुई के नोक के बराबर भी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए मैं संस्था के प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहुल और यहाँ सीएम राइज के समस्त स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रवेशी प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए मैं जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बताइए आपका परिचय। मेरा नाम राजेंद्र बांगे है, मैं दर्रा से हूँ। अच्छा, किस लिए आए थे आज? बच्चे का आज मतलब नंबर लगने वाला था सीएम राइज में, तो वो क्या हुआ? तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। क्या लगता है आपको, ये पद्धति ठीक है चयन करने की? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं संतुष्ट, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, इनका सही है, इससे कोई शिकायत नहीं है सर। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से मतलब निर्णय सुना है सर। ऐसे आप उसको और ऐसे ही होना चाहिए सर। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम राजेंद्र बांगड़े है और मैं गर्रा का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे विवेक ज्योति ज्ञानपीठ में पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर यहाँ पे हो जाता है तो एक एक्सपीरियंस नया मतलब मिलता। आज सीएम राइज बालाघाट में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें KG1 से 111 बच्चों में से 30 बच्चों का चयन किया है और 10 प्रतीक्षा सूची में लाए गए हैं। KG2 में 84 बच्चों में से 30 का चयन हुआ है, जिसमें और 10 प्रतीक्षा सूची है। फर्स्ट क्लास के लिए हमारे पास में 30 आवेदन से कम आवेदन आए थे, इसलिए लॉटरी यहां पर नहीं निकालेगी, सभी को प्रवेशित किया गया है। सेकेंड क्लास में 34 बच्चों में 18 का चयन किया गया है, थर्ड में 61 बच्चों में से 13 का चयन किया गया है, फोर्थ में 47 बच्चों में से 12 का चयन किया गया है, फिफ्थ में 36 में से 18 बच्चों का चयन, और सिक्स क्लास में 69 में से 11 बच्चों का चयन किया गया है। हर क्लास में हमने 10 की प्रतीक्षा सूची दी है और संपूर्ण प्रक्रिया जो है हमको 28 फरवरी के पहले कम्प्लीट कर देंगे। इंतजार करें, अभी कोई पहला मौका नहीं है। जब स्कूल के भवन तैयार होंगे तो बहुत सारी सीट बढ़ जाएगी और तब हम लगभग हर बच्चों को प्रवेश देने की स्थिति में रहेंगे। बारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम कटंगझरी स्थित कब्रिस्तान के पास के तालाब से पुलिस ने 54 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि शांतिलाल पवन कर मछली मारने के लिए तालाब के पास गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांतिलाल पवन कर तालाब और नालों में मछली मारने का काम करता था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पालन करता था। प्रतिदिन की तरह 15 फरवरी को दोपहर करीब 4 बजे तालाब की ओर वह मछली मारने के लिए गया हुआ था, जहां पर देर शाम एक व्यक्ति ने देखा कि कब्रिस्तान के पास स्थित तालाब में किसी व्यक्ति का पानी में उतरा रहा है, जिस पर उसके अपने साथी ग्रामीणों ने भी साथ में देखा तो वह शांतिलाल का वह शव था, जिसकी जानकारी उसने उसके परिवार वालों को दी, जिस पर परिवारजनों ने आकर मौके पर इसकी शिनाख्त कर तत्काल ही बारासोनी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बरामद कर बारासोनी के शासकीय सिविल अस्पताल लाकर अपरीक्षा में रखवा दिया गया। 16 फरवरी की सुबह शव परीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। बालाघाट खैलांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सीवन घाट के खेत में ऊपर से गुजरी हाई वोल्टेज विद्युत लाइन का विद्युत तार टूटकर खेत में गिरने से एक वृद्धा के दोनों पैर विद्युत करंट से झुलस गए। विद्युत करंट से झुलसी वृद्धा श्रीमती भागनबाई पति भैयालाल सोनवा ने 62 वर्ष ग्राम सीवन घाट निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
16 फरवरी को सुबह 10 बजे भागन बाई अपने खेत में लहसुन और प्याज के वफे में पानी डालने के लिए गई थी। बताया गया कि खेत के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत लाइन गई हुई है। जब भागन बाई खेत के लहसुन और प्याज में पानी डाल रही थी तभी जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और विद्युत तार टूटकर नीचे गिर गए, जिससे भागन बाई के दोनों पैर के एड़ियों के ऊपर वह गिरा, जिससे वह झुलस गए और कट गए। बताया गया है कि इस दौरान वहां पर अन्य कृषक भी कार्य कर रहे थे, जिन्होंने इस घटना के संबंध में भागन बाई के परिवार वालों को फोन करके बताया। परिवार के लोग खेत पहुंचने पर भागन बाई को वारासुनी का अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। पानी उन्हें डालने गए थे, पानी भी नहीं डाले उन्हें। कैसे हुआ? ये बड़ी लाइट ऊपर की वो साठ हुई बोलते है ना, वो वायर नीचे गिर गए। तो दोनों पर जल गए? दोनों वो पाव के पास गिरे होंगे तब। दोनों कहाँ भर्ती की थी? वाराणसी। क्या नाम आपका? बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंडई के पंडा टोला में चोरों ने एक मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर अलमारी में रखे 90,000 रुपए की चोरी कर ली। बिरसा पुलिस ने परमानंद पिता स्वर्गीय सुखराम पंद्रे 53 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। बताया गया कि 14 फरवरी की रात्रि परमानंद पंद्रे परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। 15 फरवरी को सुबह 4 बजे परमानंद उठे तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और अलमारी में रखे 90,000 रुपये नहीं थे। परमानंद पंद्रे ने घर के पीछे जाकर देखा तो घर के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। 14 व 15 फरवरी की दरमियानी रात चोरों ने परमानंद पंद्रे के मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी में रखे 90,000 रुपये की चोरी कर ली। बिरसा पुलिस ने परमानंद पंद्रे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457-380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के द्वारा बीते दिनों से जिला पंचायत के सामने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। वह शासन प्रशासन के द्वारा उनकी मांगे सुनी नहीं जाने पर उनके द्वारा एक दिन पूर्व ही कालीपुतली चौक में विरोध स्वरूप टायर जलाकर अपना विरोध जताया गया था। कालीपुतली चौक में प्रदर्शन करने को लेकर 26 लोगों को धारा 107 व धारा 116 के तहत नोटिस भेजे गए। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत के सामने धरना दिया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा भूख हड़ताल भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन की ओर से उन पर ध्यान नहीं देने के कारण दिव्यांग समिति के द्वारा विरोध के स्वरूप टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। दिव्यांगों के द्वारा अपने पंडाल से रैली के रूप में निकालकर कालीपुत्री चौक में टायर जलाया गया व नारेबाजी की गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा 26 लोगों के नाम से धारा 107 व 116 के नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा कोई भी अतिरिक्त लोगों को नोटिस नहीं भेजी गई है। जो जानकारी उनके द्वारा दी गई थी उन्हीं के नाम से नोटिस भेजा गया है और अलग से किसी के नाम से नोटिस नहीं दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखे इसलिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के हिसाब से उन्हें नोटिस दिया गया है। ये हमारे ऊपर जो दो धाराएं लगाई है 107 116 कह रही तो गैर जमानती, इससे जमानत नहीं लेना पड़ेगा, ऐसी धारा है, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि धारा लगाते समय कम से कम नाम तो हमसे पूछते कि कौन बंदा दिल्ली में रखे संगठन का पढ़ाई कर रहा है और कौन यहाँ बैठा है। जो दिल्ली में बैठा है अपने उसके नाम की भी धारा भिजवा दियो, नोटिस भिजवा दियो। तो मैं प्लीज जिनने भी ये नोटिस तैयार किया है उससे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो आ जाए रजिस्टर से थोड़ा नाम वाम देख ले, कौन था नहीं, वीडियो हमारे पास है वो भी देख ले। उसके बाद वो धाराओं को जिन बच्चों पे लगाया है उनको ना लगा के जो बच गए उन पे लगा दी। अच्छा तो कल कितने लोग थे यहाँ पे आप लोग के आंदोलन में? कल हम लोग 60 लोग थे और अभी 26-27 लोग पे लगाएंगे। अच्छा तो नोटिस ये जो आया है अभी वहाँ से कितने लोगों का आया है? ये अभी हमारे 26 लोगों का आया है। तो 26 में से क्या कल थे क्या ये लोग? 26 में से तो 15 तो थे ही नहीं मेरे हिसाब से, तो वीडियो में देख के हम लोग भी कंफर्म करेंगे। पर मैं एक बंदा है जो दिल्ली में रहके जेएनयू में पढ़ाई कर रहा है, संगठन का कोषा अध्यक्ष है, उसका नाम दे दी जो शुरू से आज तक दोनों धरने में नहीं रहा, उसका नाम दे दी। मेरे को बड़ी हंसी आ रही इस बात को लेकर। एक नागपुर में एक बच्चा। तो ये नाम इनको कहाँ से मिले होंगे? तो अब ये नाम तो शायद जब एक महोदय आए थे पुलिस से, उनने बड़े अच्छे से लिस्ट बना के ले गए, बोले तुम्हारी बात प्रशासन में आगे पहुंचा रहे। हमें नहीं पता था
कि ऐसी बात ये आगे पहुंचा रहे, नहीं तो मैं तो छाट छाट के देता, भैया ये देखो ये थे बढ़िया सही नाम देता, क्यों गलत नाम का टाइपिंग उनकी मेहनत बर्बाद करता। अच्छा तो इनने क्या आप लोग को योजनाओं का लाभ दिलाना है कि यहाँ से नाम ले गए थे क्या? हाँ नहीं, योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से नहीं, ये आपकी बात को हम प्रशासन के पास ऊपर पहुंचा रहे हैं ये बात बोल के ले गए थे इनने। तो कितने लोगों के नाम ले गए थे ऐसे? इनने तो 80-90 नाम ले गए थे। अच्छा तो नोटिस कितने नाम से भेजे? 26 नाम से भेजे सर। अच्छा अब जैसे कि अब आपको नोटिस भी मिल गया है, आपका धरना भी अब चालू है, तो क्या इसके आगे धरना तो चालू रहेगा? और ज्यादा चालू होगा, अब तो 4 बूकर ताल में थे, अब 40 बैठेंगे। समय बदला, सत्ता बदली, पर नगर पालिका के हालात अब तक नहीं बदले। शायद यही वजह है कि लाख कोशिश के बावजूद भी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी बरसों पुरानी इस कहावत आज भी नगर पालिका की वर्तमान स्थिति पर एकदम सटीक बैठ रही है। जहां जरूरत से ज्यादा नियम विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती तो कर ली गई, लेकिन अब उन कर्मचारियों को वेतन देने में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे। वहीं आमदनी कम और खर्चा अधिक होने के चलते अब शासन की स्थिति भी डगमगा गई। शायद यही वजह है कि नगर पालिका में कार्य करने वाले दैनिक नियमित और विनियमित कर्मचारियों का बकाया वेतन मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर नगर पालिका उपाध्यक्ष का घेराव किया, जहां उन्होंने नगर पालिका में हंगामा मचाते हुए जल्द से जल्द वेतन दिए जाने की बात कही। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो समस्त कर्मचारी नगर पालिका प्रांगण में ही सांकेतिक रूप से हड़ताल पर बैठ गए और भुगतान होने के बाद ही कार्य शुरू करने की चेतावनी दी। यहाँ नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने सांकेतिक रूप से हड़ताल कर रहे कर्मचारी को समझाइश दी और हर हाल में सोमवार तक उनके खातों में भुगतान किए जाने का ठोस आश्वासन दिया। जिनके ठोस आश्वासन पर सफाई कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे बाद सांकेतिक हड़ताल समाप्त कर दी और पुनः कार्य में लौट गए। इस दौरान कर्मचारियों ने नगरपालिका प्रबंधन को कार्य के भुगतान के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया है, जहां उन्होंने 20 फरवरी तक जनवरी माह का रुका हुआ पेमेंट न होने पर पुनः हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। नहीं, जैसे भी आप लोग पूरे के पूरे गए थे यहां पे, आप लोगों ने काम पे नहीं गए अभी, आप क्या कारण था? पेमेंट नहीं देंगे बोल रहे ना। कब की पेमेंट नहीं देंगे बोले? जनवरी के बोले 15-20 तक देंगे। फिर उपाध्यक्ष जी ने आप लोग को बुलाया था? तो क्या क्या चर्चा हुई आप लोगों की इसमें? वही बोले कि 15-20 तारीख का पेमेंट हो। इतना लेट क्यों बोल रहे हैं? अभी 2-3 महीना ऐसी समस्या है करके। समस्या का तो बोले नहीं, तो ये तो बहुत दिनों चली आ रही नहीं, तो बोलते तो क्या बोले उनकी बात सुनना पड़ेगा। तो अभी उनने क्या आश्वासन दिए क्या? तो मात्र पेमेंट हो जाएगी बोले। अगर नहीं होगी पेमेंट तो फिर पेमेंट नहीं हो रही थी ना, इसलिए काम बंद कर दिया। कब से पेमेंट नहीं हो पा रही थी? अभी जो जनवरी की पेमेंट रोके रखे थे तो कह रहे थे कि मार्च को 1 तारीख को देंगे, तो हम चाहते थे कि जो जनवरी की पेमेंट वो अभी मिल जाए, इसी के त्यौहार भी आ रहा है, इसी के लिए मतलब बंद कर रहे थे काम। तो अभी निर्णय हुआ है कि जो जनवरी की पेमेंट है अभी फरवरी की 20 या 19 तारीख तक मिल जाएगी, और तुमको 1 तारीख को तो नहीं मिलेगी लेकिन वो हर महीने 20 तारीख तक पेमेंट हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी में ला रहे कि नहीं ला रही? नहीं, उन्होंने 15-20 तक ही बोले। अगर 15-20 तक अगर लेट होती तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके लिए वही है, फिर हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे। क्या नाम दीदी आपका? उन्होंने आज काम बंद हड़ताल शुरू कर दी थी, करीबन आधा घंटा कार्य उनका बाधित रहा। नहीं, इसको हड़ताल नहीं कहेंगे, ये आपसी भाईचारा कह सकते हैं, हम पार्षदों के साथ उनका आपसी बातचीत कह सकते हैं, इसको हड़ताल कहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्यों, किस मांग को लेकर के उन्होंने ऐसा किया? मांग कुछ ही उनका पेमेंट का थोड़ा सा इशू था, कि एक अभी बीच में बैठक हुई थी उसमें ये था कि हमको 1 तारीख को पेमेंट चाहिए, तो ये इनको शायद समझने में थोड़ी सी गलती हुई थी कि 1 महीने का रुक के पेमेंट मिलेगा, 1 तारीख को पेमेंट करना संभव नहीं है। तो अभी उनसे मेरी बातचीत हुई, बैठे हैं सब लोग, अपने घर के ही माता महीने हैं, तो उनके साथ ये हो गया हर महीने की 15-20 तारीख के बीच में उनको पेमेंट हो जाए, ऐसा उनका मानना था। और लगभग कोई स्वाभाविक बात है, इसमें कुछ नहीं, उनसे बातचीत करने आए थे, बात हुई और वो लोग तैयार हो गए, और आपने देखा होगा अभी बिल्कुल काम पे भी चल निकल गए। सर, उनका कहना है कि जनवरी की पेमेंट नहीं मिलने के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा था। नहीं, जनवरी की पेमेंट है हमारे पास, चूँकि क्षतिपूर्ति भी लेट आती है, बहुत लेट आती है, फिर भी हमने हम अभी उनकी पेमेंट से सिर्फ 15 दिन पीछे चल रहे हैं। हमारा कहना था हम 20 तारीख तक उनको हर महीने की पेमेंट कर देंगे,
जनरली हर महीने 5 से 10 तारीख के बीच हो जाना चाहिए। जनवरी की पेमेंट तो फरवरी में ही होगी, ये है कि हम 10-12 दिन लेट चल रहे हैं। वो भी धीरे धीरे ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था होगी नगर पालिका में, हमारे जैसे भी कुछ फंड आएगा कहीं भी हो, हम सबसे पहले मजदूरों की बात करेंगे, उसके बाद ही हम अन्य कामों पर ध्यान देंगे और उन्हें बहुत जल्दी टाइम पे हर महीने की 5 से 10 तारीख की पेमेंट हो जाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। अभी 10 दिन लेट चल रहे हैं, 20 तारीख तक उनका पेमेंट हो जाएगा। रूपजर थाने के बिठली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सोनगुड्डा रोड पर स्थित ग्राम हर्रा टोला में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक ट्रैक्टर चालक अजीत पिता सुखमन पर थे 28 वर्ष ग्राम जालदा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीत परते अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है और ट्रैक्टर चालक भी है। बताया गया कि 16 फरवरी को 3 बजे करीब अजीत परते अंतराम बलगे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में हवा भरने के लिए जालदा से बिठली आ रहे थे, तभी सोनगुड्डा रोड हर्रा टोला के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गया। अजीत परते ट्रैक्टर में ही दब गया। ये घटना को देखकर राहगीरों के अलावा हर्रा टोला के लोग भी दौड़े और ट्रैक्टर को हटाकर वहां दबे अजीत को बाहर निकाला गया, किंतु अजीत की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस दुर्घटना ने अंतराम बलके को मामूली चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बिठली चौकी प्रभारी भगत सिंह कुंजा मौके पर पहुंचे और मौके पर कार्रवाई करते हुए मृतक अजीत की लाश का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बैयर अस्पताल भिजवाया गया है।